हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें 3 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम देख सकते हैं कि किंग विसीरियस और एलिसेंट हाईटावर की शादी हो चुकी है, जिस शादी से उन दोनों को एक लड़का है जिसका नाम उन दोनों ने एगॉन रखा हुआ है। और हम देख सकते हैं कि सभी लोग मिलकर एगॉन का सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसी दौरान हम ऑटो हाईटावर को देख सकते हैं जो अपने भाई से बातचीत कर रहा है, जिस बातचीत के दौरान उसका भाई, जिसका हमें नाम नहीं बताया गया, वो ऑटो हाईटावर को यही कहता है कि किंग रेनेरा को एगॉन से ज्यादा प्रिफर करते हैं, यानी कि उन्होंने अभी तक एगॉन को उनका फर्स्ट हेयर नहीं बनाया, यानी कि पहला वारिस नहीं घोषित किया है। जब बात सुन ऑटो हाईटावर उन्हें यही दिलासा देता है कि ये भी जल्द हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि किंग विसीरियस को टाइलैंड लेनिस्टर स्टेपस्टोन पर चल रही वॉर के बारे में बताने की कोशिश करता है, जिस वॉर में जैसा कि हमें पता है डीमन और लॉर्ड कॉर्लिस शामिल है। जो सीन हमने इस एपिसोड के स्टार्ट में देखा था कि डीमन उन क्रैब फीडर्स की आर्मी पर अपने ड्रैगन की मदद से आगों की बारिश कर रहा था, और उस वॉर की बात करें तो वो वॉर लगभग 3 सालों से ही चल रही है, जिस वॉर में किंग को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही टाइलैंड की वो सारी बातें सुनने में, जिन बातों से ज्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें अपनी बेटी रेनेरा को ढूंढना है जो उस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि क्वीन एलिसेंट हाईटावर रेनेरा को ढूंढ लेती है, जो गॉड्स वुड ट्री के नीचे बैठकर पढ़ रही होती है। लेकिन रेनेरा अपनी पुरानी दोस्त एलिसेंट से बात करने की मूड में नहीं, लेकिन फिर भी एलिसेंट उसे ये बताती है कि कल वो लोग उसके भाई एगॉन के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए हंट पर जा रहे हैं। तो एलिसेंट रेनेरा को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, जो बात वो उसके सामने यही कहकर रखती है कि ये किंग का ऑर्डर है, जिस कारण रेनेरा उस हंट को ज्वाइन कर लेती है। जहाँ जाते वक्त हम देख सकते हैं कि किंग विसीरियस तो काफी खुश है, लेकिन रेनेरा बिल्कुल भी नहीं, जिसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि एलिसेंट किंग विसीरियस सेकेंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। और वहाँ पहुँचने पर हम देख सकते हैं कि जब कुछ लेडीज बैठकर बातचीत कर रही होती है, तो उसी दौरान उनमें से एक लेडी रेनेरा को उस वॉर के, यानी कि उस स्टेपस्टोन की वॉर के बारे में पूछती है, जबकि रेनेरा की बातचीत उसके अंकल डीमन से काफी टाइम से नहीं हुई। जहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि एलिसन रेनेरा के साथ खड़ी है, लेकिन रेनेरा उस लेडी को काफी अच्छे से जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाहर जाने पर उसकी मुलाकात जेसन लेनिस्टर से होती है, जो उसे वाइन ऑफर कर उसे ये बताता है कि लेनिस्टर के पास सब कुछ है, लेकिन उन लोगों के पास एक ड्रैगन पिट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे बिल्ड करने में काफी खुश होगा। जो बात रेनेरा को समझ नहीं आती, लेकिन हम देख सकते हैं कि उस बात को क्लियर करते हुए जेसन लेनिस्टर रेनेरा को लेडी वाइफ कहता है, जिस बात से रेनेरा ऑफेंड हो जाती है और यहाँ से निकल सीधा अपने डैड को कन्फ्रंट करने के लिए चली जाती है, यही कहते हुए कि उसे शादी नहीं करनी। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके फादर वो शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि रेनेरा शादी की एज पर आ चुकी है, जिसके साथ साथ उन्हें काफी सारे मैरिज प्रपोजल भी आ चुके हैं। लेकिन उनकी बातों को इंटरप्ट करते हुए हम देख सकते हैं कि ऑटो हाईटावर पहुंचता है और उनके शिकार की लोकेशन बताता है। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान हम देख सकते हैं कि रेनेरा अपने डैड से नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है, जिसे देख सर क्रिस्टन कॉल, यानी कि रेनेरा के चुने हुए किंग्सगार्ड को हम देख सकते हैं, जो उसके पीछे निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि किंग सीरियस काफी स्ट्रेस्ड आउट है, और वो उस कारण से काफी सारी वाइन भी पी रहे हैं। और उसी दौरान उनसे बातचीत करने के लिए ऑटो हाईटावर पहुंचता है और उनसे लेनिस्टर के प्रपोजल के बारे में पूछता है, लेकिन किंग विसीरियस उस शादी से मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, जबकि हाईटावर जल्द से जल्द रेनेरा से पीछा छुड़ाना चाहता है, जिस कारण वो उनके सामने एक और शादी का प्रपोजल रखता है, वो भी प्रिंस एगॉन का। जो बात काफी अजीब है, क्योंकि रिश्ते में एगॉन डेफिनेटली रेनेरा का भाई ही लगता है। और साथ ही ऑटो हाईटावर का ये मानना है कि अगर रेनेरा की उनसे शादी हो जाएगी तो टारगेरियन के बीच किसी भी तरह की अनबन नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा कि हमें याद है कि अभी तक किंग विसीरियस ने प्रिंस एगॉन को अपना पहला वारिस नहीं बनाया। जो बात सुनते ही हम देख सकते हैं कि किंग उस शादी के लिए रेडी नहीं है, और वो यहाँ पर हंट के लिए आए हैं, न कि इन सारी बातचीत के लिए। जो बात सुन ऑटो हाईटावर वहाँ से चले जाते हैं,
और वही बात कर रही रनेरा और कोल की, तो हम देख सकते हैं कि वो दोनों बैठकर इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि उसके फादर रनेरा को उनकी गद्दी सौंपेगी या नहीं। जिन बातचीत के दौरान उन लोगों पर एक वाइल्ड पिग हमला कर देता है जिसे रनेरा अपने हाथों से मारती है। फिर से बात करे किंग की, तो हम देख सकते हैं कि वो जब कैंप के बाहर निकलते हैं तो उन्हें ज्वाइन करते हुए क्वीन एलिसेंट पहुंचती है, जिसे वो यही बताते हैं कि उन्होंने डीमन से गद्दी बचाने के कारण रनेरा को उनका वारिस चुन लिया, जो मे बी उनकी मिस्टेक हो सकती है। साथ ही हमेशा से उन्हें एक सपना आया करता जिसमें वो अपने बेटे को अपना ताज पहनते हुए देख सकते थे, और उसी ड्रीम के कारण उन्होंने अपनी वाइफ को भी खो दिया है, जिसके साथ साथ उन्होंने ये सोचा था कि अपनी बेटी को गद्दी का वारिस बनाकर वो आराम से जिंदगी गुजारेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी, जिसे अब उन्हें एक लड़का है और अब उनके सामने ये कन्फ्यूजन है कि उन्होंने अपना सही वारिस चुना है या नहीं। जिसके दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि उन्हें ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उनका शिकार मिल चुका है, और उसे हंट करने के लिए जब सभी लोग निकल जाते हैं तो उन्हें लगभग 2 घंटे ढूंढने पर उनका व्हाइट स्टेक तो नहीं मिलता, लेकिन उस जैसा ही एक डियर मिलता है। लेकिन हम ये नोटिस कर सकते हैं कि किंग उस डियर को हंट नहीं करते, बल्कि अपने लोगों से पकड़वा कर उसके बाद बुजदिलों की तरह खुद मारते हैं। और हंट से लौटने पर ऑटो हाईटावर वहाँ से निकल अपनी बेटी एलिसन से मिलने के लिए पहुँचते हैं, और उसके दिमाग में यही बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे एक गॉन को किंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि रनेरा को। लेकिन हम देख सकते हैं कि एलिसन का ये मानना है कि रनेरा भी एक अच्छी क्वीन बन सकती है, लेकिन ऑटो के हिसाब से ये चीज लॉज ऑफ गॉड और मर्दों के अगेंस्ट हो जाएगी, तो बेहतर यही होगा कि एलिसन अपने हस्बैंड यानी कि किंग विसीरियस को अपने बेटे को किंग बनाने के लिए बात करनी चाहिए। जिस कारण क्वीन एलिसन वहाँ से निकल किंग से मिलने के लिए पहुँचती, जो बातचीत उन लोगों की रनेरा और डीमन की वॉर की तरफ निकल आती है, जहाँ एलिसन को ये पता चलता है कि डीमन और लॉर्ड कॉर्लिस उन लोगों की जंग हार रहे हैं और उन्हें विसीरियस की मदद चाहिए। लेकिन किंग उन लोगों की मदद नहीं करना चाहता, और उस बात को जान क्वीन एलिसन उन्हें यही कहती है कि उन्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए। और उनकी इन बातचीत के दौरान हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जिस फिंगर पर किंग विसीरियस को उस आयरन थ्रोन का कट लगा था, उनकी फिंगर पूरी तरह सड़ चुकी है। और अपनी वाइफ की बात सुन किंग ठीक वैसा ही करते हैं, और जब वो अपने काउंसिल चैम्बर में एक शख्स को कुछ ऑर्डर्स देकर डीमन की हेल्प के लिए भेज रहे होते हैं, तो उसी दौरान रनेरा उन्हें ज्वाइन करती है। और वहाँ पहुँचते ही रनेरा अपने डैड के सामने उसी शादी की बात रखती है, और साथ ही ये भी बताती है कि वो उसे प्रिंस एगोन से रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा से एक लड़का ही चाहिए था। जिस बात को किंग झुटला देते हैं और यही कहते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, और अगर वो रनेरा की शादी करवाना चाहते हैं तो उसमें भी रनेरा का ही फायदा है, तो बेहतर होगा कि रनेरा अपनी मर्जी से किसी को चुन ले उससे शादी करने के लिए। जिसके बाद हमें स्टेप स्टोन की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहां हम लॉर्ड कॉर्लिस और डीमन को देख सकते हैं, जिनकी फोर्स काफी परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो क्रैब फीडर्स और उनके लोग स्टेप स्टोन की केव में छुपे हुए हैं, जिससे ड्रैगन भी उन लोगों की इस वॉर को जीतने में मदद नहीं कर पा रहा। साथ ही हम देख सकते हैं कि कॉर्लिस के सोल्जर्स डीमन के साथ फाइट करने के लिए अब रेडी नहीं है, क्योंकि किंग विसीरियस भी अब डीमन का साथ नहीं दे रहे, लेकिन कॉर्लिस उन सभी को रोक देता है। जिस दौरान हम डीमन को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, और साथ ही एक रॉयल फोर्स को भी, जिन्हें किंग विसीरियस ने भेजा है। लेकिन जैसे ही डीमन उस लेटर को पढ़ता है, तो उस लेटर को पढ़ काफी चिढ़ जाता है और आए हुए उस शख्स को काफी मारता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि डीमन एक व्हाइट फ्लैग लेकर यानी कि पीस का फ्लैग लेकर क्रैब फीडर्स की आर्मी की तरफ बढ़ता है, जिसका यही मतलब है कि वो लोग इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, जिस कारण क्रैब फीडर्स अपनी केव से बाहर आ जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि डीमन डिसआर्म होकर यानी कि अपनी तलवार निकाल कर उन क्रैब फीडर्स के सामने रख रहा है, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करता है कि सभी क्रैब फीडर्स अपनी केव से बाहर आ चुके हैं, तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि डीमन ने उन सभी को धोखा दिया और अपनी आर्मी को उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। साथ ही हम ड्रैगन को भी देख सकते हैं, जो वहाँ पर पहुँचे हुए सारे क्रैब फीडर्स की आर्मी को खत्म कर देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि डीमन ने उन क्रैब फीडर्स के हेड को भी मार गिराया है, जिसकी आधी बॉडी को वो खींचते हुए उस केव से बाहर ले आता है। और यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 3 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर
फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।